तो उसको करेंगे, मुंह में मक्खी अचानक घुस जाएगी तो हो सकता पेट में चली जाए, लेकिन थाली में मक्खी आ जाएगी तो उसको खाएंगे नहीं, उस चावल को नहीं खाएंगे। इसलिए यदि ऐसे अधिकारी हैं जो जानकर मेजर फॉल्ट कर रहे हैं और जान के उनको अपने दायित्वों का निर्वाह, चाहे वो हमारे सिविल सर्जन हो चाहे हमारे और बड़े अधिकारी हों, यदि उन लोगों ने जनहित के मामले पर अनदेखी की और जान के यदि वो जनता के साथ जो है उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और करप्शन के मामले में यदि हमको पुख्ता सबूत मिलने लगेंगे तो हमारी सरकार ये ना देखेगी कि वो पक्ष है कि पार्टी है, ना हम अपना पक्ष देखेंगे ना दूसरा पार्टी देखेंगे, और ना पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे, बिल्कुल मजबूती से सख्त कदम उठाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो प्राथमिकी भी दर्ज करके जेल की सलाखों तक भी भेज देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि छोटा मोटा कोई गलती है, अब उसके चलते इतना प्रोसेडिंग करके इतनी मोटी फाइल बनाना, उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि वो संभव नहीं। अस्पताल में सर चीज़ों की तो कमी है, लेकिन डॉक्टर के अनियमितता सदर अस्पताल में देखी जाती है। पिछले ही दिनों पड़िया हाट की एक महिला सुबह के 10 बजे डिलीवरी के लिए भर्ती हुई और रात में 10 बजे उसका डिलीवरी हुआ, जिसके कारण कि उसके बच्चों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद भी CS और DC को फ़ोन करने के बाद डॉक्टर संज्ञान लेते हैं। इसी तौर पर आप यहाँ की भी घटना बता रहे हैं, आपको याद होगा कि धनबाद में भी घटना हुई थी और पूरे धनबाद में PMCH में किसी को नहीं मालूम था कि बन्ना गुप्ता आया है, और मैं चुपचाप जो है पहुंच भी गया था और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया वहाँ। अभी तो देखिए सदर अस्पताल में हमारे CS को भी जानकारी हो गई है और अधिकारियों को भी जानकारी हो गई है, अभी मैं जाऊंगा तो पता चलेगा साफ सफाई युद्ध स्तर पे हो रही होगी, ठीक है। मैं सब चीज़ को समझता हूँ, लेकिन आपको विश्वास देते हैं कि अचानक कभी आप लोगों को अचानक पता चलेगा कि अचानक कभी किस भेष में हम आके बैठे हैं। आप देखिए रिम्स में हम गए थे, कोई नहीं जानता था कि मंत्री आया है, लेकिन एक गरीब बेबस लाचार बुजुर्ग आदमी जिसको खून नहीं उपलब्ध हो रहा था, मैंने जाके खून दिया था, बाद में लोगों को पता चला कि खून देने वाला आदमी मंत्री है। तो हमारी संवेदनशीलता है जनता के प्रति बहुत मजबूत है। इसके लिए सिर्फ मैं आप पत्रकार वृंद से भी कहूँगा कि आप हमारे स्रोत हैं, आप हमारे स्रोत हैं, लेकिन आप कम से कम हमारे विषय को भी, हमारी भावनाओं को भी आप जो है लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जनता, हम और आप तीन मिलकर सुधार की दिशा में मजबूत कदम उठाएँ। अजय मंत्री जी, खाली आपके संज्ञान में देते हैं कि सदर अस्पताल में वायु बेस्ड मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था नहीं, और इवन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां ऑपरेशन होता है, जितने भी वो वेस्ट निकलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, वो सब शहर में ही कचरा कहीं ना कहीं वो फैलता है, वो बहुत बड़ी समस्या है सर। इसके लिए हम लोगों ने 7 जगह पर जो हमारा मेडिकल वेस्ट है, इसके लिए 7 जगह पर हम लोगों ने इंसिनरेटर वगैरह का और उसको व्यवस्थित करने के लिए, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोगों को परमिशन मिलता है, तो इसके लिए हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। वहाँ से जैसे ही परमिशन हम लोगों को प्राप्त होगा, ये निश्चित तौर पर ये बड़ी समस्या है और इस समस्या को समाधान करना मानव हित में बहुत ज़रूरी है, चूँकि कभी मेडिकल वेस्ट में कभी कभी कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन वगैरह या कुछ ऐसे सामान निकलते हैं जिससे संक्रमण मेजर फैलने का चांस होता है। तो हम लोगों ने 7 जगह के लिए हमारी केंद्र सरकार को भेजा है, वहाँ से जैसे ही आएगा, चूँकि वो एक प्रक्रिया है, उसमें हमारा जो है प्रदूषण विभाग, हमारा मेडिकल विभाग, हमारा जो है जिला प्रशासन, नगर निगम, सारे लोगों को मिलकर उस पर जो है वर्कआउट करना है, हम लोग इस पर ध्यान। ठीक, थैंक यू। आप लोग भोजन कर लीजिए।